नमस्कार वास्तु के चमत्कार की श्रृंखला में आज हम मंदिर का वास्तु बताएंगे। घर में प्रायः सभी लोगों के घर अपने अपने पूजा स्थल होते हैं और उसमें भगवान की मूर्तियां होती हैं। अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर लगभग सभी भगवान की मूर्तियां मंदिर में होती हैं। वैसे तो बहुत अच्छा है, हमारी आस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो इष्ट है, जो देवता हमारा इष्ट है, जो हमारी जन्म कुंडली के अनुसार अथवा अपने विश्वास के अनुसार हमें फल दे रहा है, उसी का विशेष रूप से हमें स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कुंडली के पंचम भाव और लग्नेश के जो कारक ग्रह हैं उनसे अपने इष्ट का मालूम होता है। तो जैसे किसी का इष्ट भगवान विष्णु भगवान जी हैं तो उन्हीं की पूजा फलदायी होती है। यद्यपि सभी देवता की पूजा फलदायी है, लेकिन अपने इष्ट की पूजा विशेष फलदायी है। तो मंदिर में मूर्तियाँ मुख्य रूप से उन्हीं की हो जो आपके इष्ट देवता हैं। अन्य मूर्तियाँ रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन विशेष रूप से उन्हीं की प्रार्थना, उन्हीं से विनती स्तुति करनी चाहिए जो हमारे इष्ट देवता हैं। कई बार ऐसा होता है मंदिर में एक एक देवता कई की मूर्ति होती हैं, जैसे विष्णु भगवान जी या गणेश जी की मूर्तियाँ। मैं देखा है कि कई घरों में, कई मंदिरों में, उनके घर के मंदिर में गणेश जी की 3-4 मूर्तियाँ रखी हैं। यह अशुभ है, क्योंकि मंदिर में केवल एक देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए और गणेश जी की मूर्ति भी एक ही चाहिए। यद्यपि दिवाली पर जब लक्ष्मी पूजन होता है तो लक्ष्मी जी और गणेश जी पूजा करते हैं, उसमें वो मूर्ति एक साथ लगनी चाहिए, ये आवश्यक है। उसके अलावा एक गणेश की मूर्ति रख सकते हैं, यानी एक लक्ष्मी गणेश जी रखे ही आपके यहाँ पर और एक और रख सकते हैं, इनके अलावा और गणेश जी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग शंका है कि शिवलिंग मंदिर में नहीं रखते। कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं जो हम मंदिर में सकते हैं, ऐसे स्फटिक का शिवलिंग, पार्थ का शिवलिंग और नर्मदेश्वर भगवान का शिवलिंग, लेकिन ध्यान रहे उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर सकते हैं जहाँ पर शिव परिवार की मूर्ति हो। यदि आप मंदिर में दुर्गा माता, गणेश जी आदि शिव परिवार के सदस्य की मूर्तियाँ हैं तो आप शिवलिंग भी कर रख सकते हैं। अगर ये मूर्तियाँ नहीं हैं तो शिवलिंग की पूजा अन्यत्र करें। नमस्कार, धन्यवाद।